सो रहे थे और नागन चौथरपा इधर उधर घूम रही थी। छोटे से सुंदर अवतारी बालक को देख करके एक बार नागनी हंसने लग जाती है और जो ही भगवान आगे आते हैं तो नागनी रोना शुरू कर देती है। भगवान ने पूछा कि आप कौन हो? कि मैं काला नाग की धर्मपत्री, मैं नागनी हूं। आप हंसी कैसे हो, रोती कैसे हो? कि हंसी तो ऐसे हो कि तेरा जैसा सुंदर पुरुष मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, और रो ऐसे रही हो कि तू नीचे जाएगा और मेरा पति ने चेत हो जाएगा तो तू बिना मुंह तुम्हारा जाएगा। इसीलिए नागनी उस भगवान के रूप को देख करके मोहित होती है और भगवान को वापस जाने के लिए बार बार प्रार्थना करती है। तो कैसे कर रही थी, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण नागनियों की बात सुन रहे थे। भाई थम ये मारो तो ना Oh,
नाम तो बता। डर प्रयो चतुर्थ यार हम भी आदमी छे तो सर मारो चतुर ब्याह होगो ना सुन तो सुनो ब्याह होगो के मैं तेरे को जो ब्याह होगो ना होगो तो घर वाली डटरी छे भाग भुगी तो मेरा धनी तू तो बहुत जोर से सर मारो टावरान कन्न बोलते को कहीं डरते होगो। ये भगत जी हैं मन के सरल हैं इसलिए ताली बजा करके भगत जी का सम्मान देने की तरफ से 101 रुपए इस माइक में ये लो जी। एक तो क्या है कि पर्ची वहां भी ज्यादा कट रही हैं और दानदाताओं का नाम बड़े प्रेम से एक बार जो बालास से भगत आई उनका एक बार फिर दोबारा ताली बजा करके सम्मान करोगे जिन्होंने बहुत अच्छा दान दिया इस माइक में। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। ये कांकड़ का परिवार मुंडली से कांकड़ का परिवार मुंडली से जन की तरफ से 10,000 रुपए ये